एक पल में 100 बार हो गया, एक पल में 100 बार हो गया। लेकिन आज का ये जो महाशिवरात्रि का जो सेशन था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मैं रियली ट्रांस में चला गया। लास्ट का जो तांडव सेशन था, जो तांडव म्यूजिक था, उसमें मैं लिटरली वाइब्रेट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि जमीन भी हिल रहा है। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने महाशिवरात्रि का मेडिटेशन अटेंड किया है, एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन था। 2022 मध्ये मी हे जॉईन केलेलं होतं, मानूया ना मानू। त्यानंतर हे माझं सेकंड महाशिवरात्री आहे, पण ह्याचा एक्सपिरियन्स जो आहे तो अनबिलिवेबल आहे। मुझे प्यार हो गया, हाँ भोलेनाथ से मुझे प्यार हो गया। काफ़ी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक अलग ही ट्रांस और अलग ही जोन में हम जाते हैं। गए 6-7 साल से मैं विनर से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन इस साल जब मैंने बिजनेस वॉरियर्स ज्वाइन किया है, उसके बाद के जो रिजल्ट्स है वो अल्टीमेट है। इकडची जी एनर्जी आहे आणि जे काही आम्ही वाइब्रेशन फील केलं ह्या सेशनमध्ये, ते म्हणजे कधीही नाही, कधीच म्हणजे आम्ही असं फील केलं नव्हतं। एक वेगळ्याच लेवलला आम्ही गेलो होतो। तुझसे है देवा अग्नि भी तू, तू ही जल महादेवा, हर संकट तूने पार कर दिया। जो जो हम सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हैं, वो रियलिटी में हो रहा था और हम उसको हमारे आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे। ये अभी भी इसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन ये सर का जादू है, सर का कमाल है। आणि ज्यावेळेस सरांनी शिव तांडव स्तोत्र जेव्हा चालू केलं, त्यावेळेस पूर्णपणे म्हणजे बॉडी अशी मेडिटेट झाली होती की स्पिरिच्युअली आपण खूप ॲक्टिव्ह झाल्याचा फील आला।